मीटिंग दा एजेंडा की है। साडा कठे होन दा एक मकसद है मिस्टर बिगमैन। इस मुल्क विच पुलिस दी ताकत वधदी जा रही है ते स्मगलर कमजोर होंदा जा रहा है, जिदी बदतरीन मिसाल इंस्पेक्टर आसिफ है। इंस्पेक्टर आसिफ, ए नाम मैं पहले भी सुन चुका वा। इंस्पेक्टर आसिफ ने जदों दा इस शहर चार्ज संभालिया है, साडी एक्टिविटीज बिल्कुल दूध होकर रह गईयां ने। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਰਕਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਜੇ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, मौत देने तो बाद मैनू इतला जरूर करना, मैं एक बारी उदा चेहरा वेखना चाहना जिन्हें तुहाडे सब दे चेहरे दिया हवाइयां उड़ा दितियां ने। औरतां वांगू मूंह ना लुका बिग मैन, मैं ते आप तेनू अपना चेहरा बखा गया। मेरा ही नाम आसिफ है, इंस्पेक्टर आसिफ। ते मेरा नाम बिग मैन है, बिग मैन।
मेरे स्कूल दे बच्चे वो भी ठीक ने अबू पर 14 बच्चे मौके थे ओ मेरे खुदा प्रिंसिपल साहब तुसी मुजरिम का जड़ा हुलिया बयान किया है मैं उम्मीद है कि असीं लब्भन विच कामयाब हो जावांगे मैं तुहाडे बारे सुनिया भी है अखबारों च भी पढ़िया मिस्टर आसिफ कि तुसी पुलिस के महकमे लई बड़े बड़े वड्डे काम किए ने मेरे स्कूल के मासूम के बेगुनाह बच्चों के कातल नूं लब्भणे च देर ना करना इंस्पैक्टर साहब उन्हें मेरे बच्चों की जिंदगी ने खोई मेरी कौम का मुस्तकबिल कुचल दिता है डोंट वरी सर कानून के मुजरिमों नाल मेरी पुरानी जंग है पर हुन जंग ही जंग होवेगी इस जंग ही जंग च मेरी लोड़ पवे तो मैं हाजिर हाँ नहीं सर तुसी ते कौम दे मेहमान हो तुहाडे हत्थां च कलम कागज ते किताब ही साजदी है तुसी अपना फर्ज निभाओ ते सानू अपना फर्ज निभान दिओ बंटी हाय डैड बंटी ए खबीस तू ते आज माल लेके हांगकांग जाना सी हांगकांग आई एम सॉरी डैड मैं भूल गया जे तू एंजी भूलता रहा ते मेरी जगह किस तरह लवेगा बहरहाल मैं तेरी जगह ते होर बंदा भेज दिता मैं तेनू एहो जिया महफिला सजान तू इस वास्ते नहीं रोकता कि एहो जिया गल्ला एक समगलर दे अंदर अगे वधन दा हौसला पैदा कर दिया ने पर एक गल दा खास ख्याल रखी बंटी बंदा औरत ते शराब दे नशे विच अपना आप अपना मुकाम अपना फर्ज ते अपना मिशन भुल जाए ना आइंदा वास्ते बी केयरफुल चौधरी चंगेज खान साहब कितने जी हुणे ही इत्थे सन जे हुणे इत्थे सन ते हुण कित्थे गए ने आराम नाल मेरी टिंड कर जब तक मेरे टिंड चो तेरा व्हील चेयर का मुंह नजर नहीं आ जाना तेरे उसरे की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल नहीं रुकेगी चौधरी साहब और कदे टक टुक ला नहीं होए कोई टक टुक नहीं लगता चौधरी साहब की गल है चौधरी साहब इंस्पेक्टर साहब आए जो आए ने तो मैं क्या करा उन्होंने तो हमें याद किया और सानू तो बड़े 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 याद करते ने वो कल ने मुंडे ने मुझे याद कर लिया तो की हो गया कल का इंस्पेक्टर ते मेरे ते रो पिया पांदा जा उन्हों कहते चौधरी साहब कह रहे ने जो अपनी टिंड करा के आएंगे सर और ठहर जा ओए कल कितने उत्ते तक मैं पहुंच जाए छेती कर ओए ओए की कीता यो खाना खराब ते पुत्र और टक लाते ही ओए मेरा खून गंदा गंदा मेरा खून गंदा है तेनू नाई किने बनाया बकवास ना कर और मैं जितनों की लंघांगा लोगों ने कहना है चौधरी चंगेज खान के सिर चो लहू नहीं रिश्वत पे निकलती है और तू मैं टक टुक ला के लोगों को यह साबित करना चाहना कि मैं वाकई रिश्वत लेना टक थी अपनी गलती ना लगा क्योंकि तुम टिके नहीं पैदे खिदू वागू भुड़कते रहते हो अच्छा मेरी गलती ना लगा उस तरह तेरे हाथ च शेर तू मेरी प्या कर दे टक मेरी गलती ना लग जाए टक किस तरह लगे उस तरह कारीगर ने हाथ हो टक लग जाए इधर फराई है ना उस तरह इन तरह लम्या पाए हैं तुम भी बड़ी मुक्त छिपा करो ना तेन कराना टक लग जाए किस तरह टक लग सकता मैं हूं तेरी टिंड करांगा साबित करांगा की ना चुप करके Oh,
चौधरी साहब मेरी मुछा छा दो मेरिया मुछा मैं किलो और चुप कर मेरी टिंड चौधरी चंगेज खान ने की है याद रख मैं तेरे से तीन कतल के केस पा दिया समझ दसी ना मैं तुम दस दी चलो मैं दस तू किसी नु पसीना तेरी टिंड मैं की हम लोग मन पछाड़ लैन दे मेरी मत वजी है जी बीबियां लवानियां तू सर बस हुकम जनाब किथे सर चौधरी साहब टठे खूज की गल है अज मूड ठीक नहीं मूड किस तरह ठीक होवे कमाले अजीब जमाना आ गया जूनियर नु सीनियर दी पहचान ही नहीं रे साडा जमाना हुंदा सी की मजाल सी के जूनियर सीनियर दे अगे अख चुक के तक सके मैं ते तुहाडी बड़ी इज्जत करना सर किथे कर दियो जी तुसी मेरी इज्जत मैनू पता है जड़ी तुसी मेरी इज्जत कर दियो हां हुक्म करो ए ते तुसी जानदे हो सर कि मैं तुहाडे मशवरे तो बगैर चल ही नहीं सकता मैंने इतला मिली है कि त्वाटे इलाके बिग मैन समग्र का कोई अड्डा है कमाल है इलाका मेरा ते पता तानू लग गया तुसी चांदे की तुसी की हो सर कि मैं ना हिला हैं जी मैंने काम करना नहीं आता मैंने मुअत्तल करवाना चाहते हो कमाल हो गई है इलाका मेरा ते मैंने पता ना होवे और मैं तो चार दिन पहले पता लग जाता कि कितने चोरी होनी है कितने डाका पैना है कितने स्मगलिंग होनी है मगर किस वेले बस चुप कर डर वर्चा मेरा मतलब है कि मैं ते आप छापा मारने वाला सा जी बिल्कुल लेकिन मैं जानना छापा मैं तोड़े नाल मिलके मारा मेरा मतलब है सर मैं पीछे पीछे ते तुसी अगे अगे लो जी उन्हें साड़ी उम्र है अगे लगन दी अच्छा तुसी पीछे पीछे ते मैं अगे अगे ताकि स्मगलर की पहली गोली मेरे हिक्के च वजे मैं मर जावां तो तुसी डीएसपी बन जाओ ना इंस्पेक्टर मैं बनांगा तुसी अगे अगे ते मैं पीछे पीछे टिक टिका के वादा करो हाथ मिला के हाथ मिला दिलदारा गल पक्की हो गई गोलियां मार दियो ओए मेरी हिक च गोलियां मारो फिर मैं दसा गोलियां किस तरह वज दिया ने लो मैं गोली इधरों चलाई है ते डिग इधरों पे है ये ते लगदा पक्की पकाई ताजा रोटी है नहीं ते नंगा करके एहो जा चुरलू डंडा फेरांगा कि आप ही वाजा मारदा फिरेंगा वाजा मारिया बुलाया कई बार मार जिसने साड़ी गल ना सुनी दस बिग मैन किथे तेरा इंस्पेक्टर दी किस्मत बड़ी चंगी है क्यों बार बार मौत तो बच जाता है पर मैनू यकीन है कि वो हुण ताकत नाल नहीं सियासत नाल मरेगा मैं उदे वल बड़ी हसीन मौत भेजन का फैसला किया है सोनिया कित्थे वे
खतरे की तस्वीर है जिहड़ा दिन ब दिन साढ़े बहुत करीब आ रहा है। तू एनु अपनी जुल्फा दे जाल च फसाना है। जिस वेले तू एनु केर लेंगी साढ़े बंदे दी मौत बन जाणगे। की सोच रही है सोनिया कि तेरे बॉस ने तेनु मुश्किल काम तो नहीं दस दिता? इंस्पेक्टर ते बहुत नेड़े वे बॉस मैनु आसमान दे चन्न भी अपनी जुल्फां च फसाण लई कहण ते मैं ओ भी कर विखावांगी। इन्ना हथां ने मेरे लई देर रात मेहनत मुशक्कत की है। मां जी प्लीज तुसी इन्ना हथां नू मेरी टोपी का पार ना चुकाया करो। तेनू की पता हो गया सी जदों भी मैं अपने हाथों नाले तेरी टोपी चुकनी हाँ मैनू इंज लगता है जिवें मेरी मेहनत का तोहफा मैनू मिल गया है। बस हुण ते इक्को ही तमन्ना है कि मरण तो पहला तेरे बच्चों नू अपनी गोदी विच खड़ावा। तुहाडी एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी मां जी। पर कदों? बस मैनू थोड़ी जी होर तरक्की कर लैंदे हो मां जी। बाकी थोड़ी जी जिंदगी है जे तेरी थोड़ी जी तरक्की विच खत्म हो गई ते फिर मां जी तुसी एहो जिहियां गल्लां ना करिया करो। तू मेरी गल क्यों नहीं मनदा? कर लेना शादी। ओहो ठीक है ते फिर कोई रिश्ता लब्बा? अच्छा तुसी रिश्ता लब्बो ते मैं चलना। खुदा हाफिज। तैनू हारन सुनाई नहीं देंदा? पर मजबूरी है। कोई प्रॉब्लम? शायद कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं कोई मदद कर सकना? क्यों नहीं तुम्हारी वर्दी का फर्ज तो यही है। तो फिर आओ। इंस्पेक्टर साहब मैं तो तुम्हारी गड्डी बह ही जावांगी पर मेरी गड्डी नू राय चो कौन हटाएगा? ओह प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। बेटे तारा मेरा मेरा चश्मा मैं दे दे बेटा। अच्छा मैं तेरे वादा करना वा कि मैं हूं किताब नहीं पढ़ांगा। ठीक है मैं आराम भी करांगा डॉक्टर साहब की नसीहत पे अमल भी करांगा सिर्फ अपनी बेटी नाल बैठ के गल्ला करांगा। फिर नाना पू तुसी मैंने करो। ओके बेटा तुसी मरने वाले बच्चिया नु फिर याद नहीं करोगे? मेरे पास इच नहीं। अपने दिल नु काबू च रखो अब्बा जी। अल्लाह ना करे जे तानु कुछ हो गया ते ऐस जालिम दुनिया च मैं तारा कहां रह जावांगी ते तुहाडी बेवा थी किधे दरवाजे से जाएगी ते ऐस यतीम बची ते सिर ते हाथ कौन रखेगा? एहो जिहियां गल्लां ना करिया कर राबिया बेटी।
तुसी तो भी मेरी जान हो, ते जान अपने जिस्म जुदा नहीं हो सकती। चलो मान लेने हैं, असी ताड़ी जान हा, पर चश्मा फिर भी नहीं मिलना। क्यों बेटा? जुम्मे वाले दिन मेरी गुड्डी की शादी है, ते ओदे लई शॉपिंग हुण तक नहीं होई। तो फिर की होया? कल असी अपनी गुड्डी लई शॉपिंग कर लांगे। हां मेरे नाना वो बेटा, मेरा बेटा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
दोवें परदेसना अज तक रही कदी मापियां दे देसना मापियां दे देसना लेखां दियां लिखियां नूं कीवें मिटावां लेखां दियां लिखियां नूं कीवें मिटावां डोरा ने मैं तैनूं डोली चढ़ां डोरानी मैं तैनू डोली चढ़ावां बीतिया करां तैनू देके दुआवां बीतिया करां तैनू देके दुआवां ला डोरानी मैं तैनू डोली चढ़ावां ला डोरानी मैं तैनू डोली जज्बाती क्यों है यार हाली भी जज्बाती ना हुआ क्या किसे बड़े स्कूल च एक बदमाश दा पुत्र नहीं पढ़ सकता बदमाश एवा मेरा पुत्र ते मासूम है मैं उन्हें चंगी तो चंगी तलीम देना चाहना मैं उन्हें अपनी बदमाशी दे हनेरियां चो कट के तलीम दी रोशनी देना चाहना पर कोई भी स्कूल उन्हें ऐसलई दाखला नहीं देंदा कि वो एक बदनाम बदमाश दा पुत्र है वो एक कातिल दे खून दा वार है प्रिंसिपल साहब पढ़ना बच्चे ने इंटरव्यू दे बदल लेता जांदा है ते वो अगर जाहिल होए वो तुहाडे इंटरव्यू विच फेल हो जांदा है इहदा ए मतलब नहीं कि उस बच्चे ने उस स्कूल दाखला ना मिले जिथे पढ़ के उन्हें शरीफ शहरी बनना है तू चना की तेरे बच्चे नु दाखिल किया जाए नहीं तो ताडे बड़े स्कूल दा गेट हर बच्चे लई बंद कर देंगा मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा ते किसी का बच्चा भी नहीं पढ़ेगा जे तू ताकत इस गुरनाले गल मनवानी चाहना है ते फिर तेरे बच्चे लिए कोई जगह नहीं जे तू अपने बच्चे दा हक मंगना है ते फिर मेरा स्कूल हाजर है अपने बच्चे नु लेके आ मैं आप दे दाखले दे फार्म भरांगा अपनी गारंटी तुम्हें दाखिल करांगा प्रिंसिपल साहब तू यकीनन जिथे भी गया होवेगा बदमाश बन के गया होवेगा जे तू बाप बन के जांदा तो तेरा बेटा जरूर दाखिल हो जाता प्रिंसिपल साहब हुण मैं तुहाडे अगे बाप बन के दरखास्त करना वा
कि मेरे पुत्र नो दाखिल कर लो। शाबाश, समझ लिया कि तेरा बेटा दाखिल हो गया। बड़ी मेहरबानी प्रिंसिपल साहब, मैं तुहाडा एहसान जिंदगी भर नहीं भुलांगा। जिंदगी दे किसे मोड़ ते इस बदमाश की जरूरत महसूस होए ते वाज जरूर मारना। तू अपना मनहूस चेहरा लेके किथे कोच के अफसोस है कि मेरे चंद दिन मुल्क तो बाहर होने की वजह तुहाडे मुतालबात पूरे नहीं हुए, पर मैं हुण आया वा। हुण तुहाडा हर मुतालबा पूरा करना मेरा अवलीन फर्ज है। तुसी अपनी अपनी ड्यूटियां संभालो। तुहाडे मुतालबात के कागजा ते दस्तखत करन दी ड्यूटी मैं संभालना। एक्सक्यूज मी सर, सर तुसी हर साल ना मजदूरों के मुतालबे मान लेंदे हो, इस तरह से छोटे लोग साढ़े सिर चढ़ जाएंगे। सर इस तरह से सानू फैक्ट्री च बहुत नुकसान होगा। इट्स टू लॉस। मैनेजर साहब, नुकसान नू ना वेखो, एदे बलबोते ते मैनू मिलन वाली पब्लिसिटी नू वेखो। मैनू प्रॉफिट दे नहीं, नेक नामी दी जरूरत है। नेक नामी दी जिदे बलबूते ते मैं इस मुल्क च ऐश करना वा। मैनेजर बंटी नू भी कह देना के मजदूरां ते जुल्म करना बंद कर देवे। हेलो। हेलो, बाय बाय। वेरी गुड टीना, शाबाश। आओ
हेलो चौधरी चंगेज खान स्पीकिंग। अच्छा एक मिनट होल्ड रखो बीबी। तू मैनू नहीं दसेगा कि तू किथे किथे चोरियां कीतिया ने टिक टिका के। मैं चोर हैगा ही नहीं चौधरी जी, मैं किवें मन लवां। ना मन ना मन चा पिछवाड़े वाला कतल पा दो। जुलम ना करो चौधरी जी, मैं ते चोरी नहीं की थी। तुसी मेरे ते कतल दा केस पा रहे जे। कुछ ना कुछ ते पुआना पैगा तेन। चोरी कतल या की जनाबे वाला बंबो जरा पिछले हफ्ते सबक मंडी फटिया सी ओ बंब तू नहीं फाड़िया। जनाबे वाला ए बंब दा केस मेरे ते ना पाओ, मैं चोर ही ठीक हूं। मनिया कि नहीं? और मैं बड़े 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 मुजरम बका दिते ने टिक टिक आके। और मेरा नाम ही चंगेज खान है। फिर खाकान आजम मेरे लिए की हुक्म है? तेरे लिए की हुक्म है? और इन अंदर कर दो तो तेरा नंबर दा छितर प्यों प्यों के दिपड़पुड़ी च मारो टिक टिक आके। चले हाँ हूं गल कर बीबी जरा टिक टिक आके। जी मैं इंस्पेक्टर आसिफ नाल गल करनी है। ओए ओदे नाल की कर करनी है? वो मेरा जूनियर है। तुसी मेरे नाल गुफ्तगू शनीद करो जी। जी मैनू उन्हां नाल ही काम है। ओए ओदे बेकार आदमी है, नकारा है बिल्कुल। ओए ओ किसी दे काम नहीं आ सकदा टिक टिक आके। जी मैनू होर काम है। ओ इंस्पेक्टर उस काम दा भी बंदा नहीं, बड़ा बदबूदार आदमी है। अठ दिन तक नांदा नहीं, गोटे गोटे महलां च डुबिया रहिंदा है। बैठे कोल की लुकाए, अगले महीने मुअत्तल भी होण लगे। किन्नू मुअत्तल करा रहे चौधरी साहब? अस्सलाम वालेकुम, तुहाडे नाल नहीं मैं, मेरा बेटा जी आ गया है। मेरा बेटा, मेरा चांद कुमार। यकीन रखो एदे नाल मेरा तो सीनियर जूनियर वाला चक्कर ही कोई नहीं, ये तो डायरेक्ट मेरा बेटा है। बेटा जी जरा सुनो, मेरे ख्याल मेरी होने वाली नूंह का टेलीफोन आया। हेलो। हेलो मैनू पहचाना जी इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं। अच्छा मैं सोनिया बोल रही हूं। ओ मुलाकात इतनी भी मुख्तसर नहीं सी कि तुसी बिल्कुल ही भूल जाओ। ओ ते तुसी हो जी हुकम अर्ज़े। इशाद कल मेरी सालगिरह है। मेरे वल्लों देश की मुबारकबाद। एंजने तुहानू आना पवेगा। सॉरी मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी ड्यूटी जो इना टाइम पे मिली सकदा जनाब कि तुसी मेरी खुशियां च दो कड़ी लिए शरीक हो जाओ। मेरा एड्रेस बहुत ही आसान है, फ्लैट नंबर 102 टावर स्क्वायर। जी सर। इंस्पेक्टर आ गया सर। फिक्र ना कर सोनिया, मेरे बंदे उदी मौत बनके बहुत जल्दी पहुंच रहे ने। जी सर। वेलकम इंस्पेक्टर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लगता है मैं कुछ जल्दी आ गया। क्यों? मेहमान ही कोई नहीं आया। मैं जिन्हों बुलाना सी ओ आ गया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं समझा नहीं। इस शहर च मेरी जान पहचान कुछ ज्यादा नहीं हैगी। जिन्हों नाल हैगी है ओ मेरी खुशियां जान दे काबिल ने। मेरे नाल जान पहचान भी तेरी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। मैं तो तुहानू उदों दी जाननी आ जदों पहली बारी अखबार च तुहाडे पहले मार्के दे चर्चे तुहाडी फोटो नाल छपे सन। मैं तो उदों वेखते ही कहता सी कि सोनिया
इंस्पेक्टर आसिफ ही तेरा आइडियल है। जी जी हैप्पी बर्थडे टू यू आई लव यू ऐसे बत्ती चली गई बत्ती सामारी गलन Yeah.
गोली? सोचती हाँ है गोली बाजू की बजाय सीने से क्यों नहीं लग गई, कम से कम प्यार तो कुर्बान होने की सादत ते मिल जाती, कौन सन है लोग? ओ यकीनन बिग मैन दे बंदे सन। हुण कोई इन्ना भी फौज तैयार करो बॉस, इसलिए कि तुहाडा खादा पिता हराम कर रहे ने। उन्हां नाल जिहड़ा सलूक करना सी कर दिता, तो सिर्फ इना दस कि तू इंस्पेक्टर दे सीने च गोली क्यों नहीं वजन दिती? इसलिए कि मैं वेख लेता सी कि इंस्पेक्टर ने ब्लड प्रूफ जैकेट पाई हुई है, ते ओ गोलियां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस गोली दी नाकामी दे बाद सब ने नस जाना सी। मैं गोली इसलिए खादी है कि इंस्पेक्टर दे दिल चो शक हमेशा लिए निकल जावे कि मेरा इस ग्रोह नाल कोई ताल्लुक है। शाबाश शाबाश सोनिया, तू बड़ी अकलमंदी का सबूत दिता है, पर हुण मैं इंस्पेक्टर ते प्रिंसिपल दा केस मुकान लई कुछ होर सोचांगा। समगलरां नाल लड़दे लड़दे पुलिस इंस्पेक्टर की जान बचाने लई अपने सीने ते गोली खादी, ते इंस्पेक्टर ने पूछा कि तू ते आप डाकू है, फिर कानून की मदद करन दा जज्बा तेरे दिल च किवें पैदा होया? ते फिर डाकू ने की क्या नाना अबू? डाकू ने मरदिया मरदिया इंस्पेक्टर साहब नूं दस्या कि मैं डाकू नहीं सां, मैं ते अपनी धी दी इज्जत दे कातलां नूं मारन लई निकलिया, ते जमाने ने मैनूं डाकू दा नां दे दिता। ए क्या क्यों डाकू मर गया? सारी स्टोरी चंगी सी नाना अबू, पर एंड चंगा नहीं सी। उस डाकू नूं जिंदा रहना चाहिदा सी। वेखो ना नाना अबू, जे ओह डाकू जिंदा हुंदा ते सारे समगलां ने मर जाणा सी। नाना अबू तुसी ओह डाकू नहीं बन सकदे। तारा की बकवास भी करनी है? राबिया कहन दे सु बेटे, बच्ची आ ने। बच्ची पूरी 14 साल दी हो गई है, जो मुंह चांदा कहंदी रहंदी है। मेरे फरिश्ते जे अबू नूं डाकू बनाने लगी है। ताडे अबू मेरे ही कुछ लगदे ने, मैं जो चाहवां बना सकनी आ, क्यों नाना अबू? ओ जी बेटे बिल्कुल तुसी ठीक कह रहे हो, पर इस गल दा भी ते ख्याल रखना पवेगा ना, कि तुसी जिस भाव दी जे नाना कह दियो कि नाना अबू बदल बन जो। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ 100% ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਇਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਬੂਤ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਵਕਤ ਵੇਖ ਤੇ ਸੋਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਸਿੰਧਾਂ ਨੇ ਬਚਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, बिग मैन प्रवेश एक कोई शख्सियत ना है, मैं गवाह हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे सामने अपने करिंदे नु अड़ दिता सी कि ट्रेन नु बम नाल उड़ा दियो, मैं ट्रेन बचाइए, मैं तुसी इहो जे अड़ देने वाले मुल्क दुश्मन नु जिनी छेती हो सकता है गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब, जिनी छेती हो सकता है गिरफ्तार कर लो, उस मुल्क दुश्मन के कार्य इस वेले भी बेशुमार असला इकट्ठा होया है, छेती करो इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाल चलो, मेरे नाल चलो। जी एसपी साहब, मैं एक मुहिबुल वतन आदमी हाँ, जदों मैनू पता लगा कि मेरा पुराना नौकर जिन्हों मैं बच्चिया वांगू पालिया सी वो एक तकरीबकार है, बस करो हमजे साहब, ते उन्हें असला भी मेरे कारिच लुकाया होया है, ते मैं फौरन तुहानू इतला दित्ती, एने मैनू जान तो मारन की धमकी भी दित्ती सी, पर नो प्रॉब्लम, मेरी जान इस मुल्क तेरे इस मुल्क दे आवाम दे जाना तू ज्यादा कीमती नहीं, वक्त आए ते मैं अपना सिर भी कुर्बान कर दियांगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसे कोई गल ना करना, केस बिगड़ जाए। मैं तुहाडे जज्बे की कदर करना अमजद साहब, तुसीं जिस प्यार ते मुहब्बत दे नाल मुल्क दे तहफुज लई जो कुछ किया पुलिस डिपार्टमेंट मैनू कभी फरामोश नहीं करेगा। कोई गल नहीं डीएसपी साहब, असी तुहानू इहो जिहियां तकलीफां देंगे। यस इंस्पेक्टर, तुहाडा इत्थे आण दा मकसद सर, माफ करना सर, असी भी तुहाडी तरह सेठ साहब नू सलूट मारन आए सा, चलो। अच्छा अमजद साहब, तुसी आराम करो, तुहाडे नाल सवेरे मुलाकात होगी, ले चलो इस तकलीफ कार नू। बाजी तो उलट गई डैडी, हुन जिमी पुलिस को किस तरह बचेगा? डोंट वरी माय सन, हुन इहनू असी नहीं पैसा छुड़ाएगा। दुश्मन ना बनो, असी बहुत मस्कीन पार्टी हाँ, सानू तनखावा की मिलती ने, इस तनखा के पिछे भी पै गए हो, और साडे निके निके छोटे छोटे मां प्यो ने, और अपने नाल साडी मौत भी वाजा क्यों पे मार दो, और एक मामूली जे स्कूल मास्टर के कहंड होते एडे वे आदमी का घर छापा कट मारिया गया, ये तो अल्लाह का करम होया कि सलू जान बच गई है, नहीं तो पेटियां लथ जानिया सन, लाइन हाजिर हो जाना सी, मुअत्तल हो जाना सी टिक टिका के। चौधरी चंगेज खान साहब। यस सर। मैं आज तक तुम कभी हुक्म नहीं दिता, पर आज हुक्म देना। हुक्म देने तो पहला इन्ना यतीम चेयरमैन की लाइफ से नजरसानी कर लेना, शायद इन नाकाबंदी कर लो, मरेगा हर मशकूक आदमी दो दिन के अंदर गिरफ्तार कर लो। एक गिरफ्तारी किते हुकम नाल अमल चाहिए, इंस्पेक्टर आसफ दे हुकम नाल उन्हें शहर दे सारे मशकूक बंदे गिरफ्तार कर लेते ने, जिन्हां विचों टोनी भी है जेड़ा ट्रेन वाली वारदात भी शामिल सी, जिन्हों प्रिंसिपल बड़ी चंगी तरह पहचानदा है। नवी खबर आई है, प्रिंसिपल साडा भाई है, मेरा मतलब है सर प्रिंसिपल साहब नु शनाख्त परेड लई काल किया जा रहा है। जा रहे ना नाबू? मैं बेटे जरा थाने जा रहा हूं, आज कुछ मुजरमा की शनाख्त करनी है। हेलो, कौन? प्रिंसिपल का घर है,
मैं उन्होंने आसी बोल रही हूँ। किधर फोन है बेटा? पता नहीं नाना अबू। हेलो कौन साहब? मैं छोड़ तू ए दस शनाख प्लेट ले जा रहा है। आहो याद रख प्रिंसिपल जे तू ओथे किसे नु शनाखत कीता ते तेरी लाश दी शनाखत कोई नहीं कर सकेगा। कौन है तू? बर्बादी जेड़ी तेरे तो शुरू होके तेरे उस मासूम बच्चे तक पहुंच जाएगी जिन्हें हुणे हुणे मेरे नाल टेलीफोन ते गल कीती है। किता फोन से नाना अबू परेशान क्यों हो गयो? किसे थे ने बेटा? तारा की गल है अबू जी? कोई गल नहीं रबिया बेटी तुसी अपना ते तारा दा ख्याल रखना ते अंदरों दरवाजा लॉक रखना। पर तुसी चले कि थे? शनाख परेड ते। किसे नु शनाखत कीता ते तेरी लाश दी शनाखत कोई नहीं कर सकेगा। बर्बादी जेड़ी तेरे तो शुरू होके तेरे उस मासूम बच्चे तक पहुंच जाएगी जिन्हें हुणे हुणे मेरे नाल टेलीफोन ते गल कीती है। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। मैं तन्नू पछाण लिया तकरीफ करा उन्हों से तू भी सें जड़े बम ट्रेन उड़ाना चाहते सर वो है जेल नहीं जिथों तेरे वर्गे मुजरिम निकल जाते ने चंगे स्थान का थल है इतने किसी की हवा भी नहीं निकल सकती टिक टिका से। प्रिंसिपल तू मैं पहचान कर लिता है पर हूं जो तेरे नाल होगी और तू नहीं बैठ सकेगा तू नहीं बैठ सकेगा। हूं जड़ी तेरे नाल हो रही है हूं तू वेख आए मारो इनू लितर आए मारो लितर टिकटिका के। तारा राबिया जिन्हों तू आवाजा मारदा फिर रहे मौत दे मोज तेरा इंतजार कर रही ने। जिंदगी सिर्फ ऐना फासला रह गया प्रिंसिपल कि तू अपना बयान बदल ले। थोड़ी देरू पिच पुलिस के हाथ आने वाली उस सीढ़ी नू बढ़ दे जिन्हों इस्तेमाल करके पुलिस बासानी साढ़े तक पहुंच सकती है। दूसरी सूरत इच तेनू बड़ा भयानक मंजर वेखना पवेगा। उस भयानक मंजर की होवेगा? तू मेरे सामने मासूम बच्चों नू कुचल दिता। एक मैं बड़े मजबूत आसाब का मालिक हाँ
मर सकना कतल हो सकना पर अपना बयान नहीं बदल सकता। जब तक मैं तेरे जुर्म की सजा नहीं दवा लेंदा तेरी मेरी जंग जारी रहेगी। जंग विच ते फिर सब कुछ जायज है प्रिंसिपल, मौत भी ते जिल्लत भी। जे तू चाहे ए दोए चीजा तेरे हिस्से च ना ते एक मौका होर देना अपना बयान बदल, अपनी अख दी पहचान नू अपनी नजर दा बहाना बना के गलत साबित कर। ए नहीं हो सकता बिग मैन, जिथे एनिया जाना गईया ने उथे तीन होर चलिया जानगियां ते कोई परवाह नहीं। ठीक है तेनू कोई परवाह नहीं, ते फिर वेख तमाशा। अम्मी अम्मी खुदा दे वास्ते मेरी अम्मी ना मारो, खुदा दे वास्ते मेरी अम्मी ना मारो। फरियाद ना कर तारा उन्हें मामा वाल वेख जिन्हां दे छोटे छोटे बच्चे इस जालिम ने मारे ने। गोली चलावे गोली चला। नहीं रबे नहीं, एक मैन अपनी पिस्तौल दा रुख मेरे सीने वाल कर दे। तेरे सीने वाल करता ते फिर बयान कौन बदलेगा। मैं तीन तक गिनांगा ओदे बाद गोली बाजू ते नहीं दिल से पार होवेगी। एक प्रिंसिपल दिए नवासी जवानी दी पहली सीढ़ी ते खलोती है, एनू जवानी दी आखरी सीढ़ी ते खलार दे।
यस, पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन खतरे से बाहर नहीं है। पता नहीं इतना जुल्म किस जालिम ने किया है। तैस तू पहला ते प्रिंसिपल दी जिंदगी खतरे तू बाहर निकले ते पुलिस टोनी ते तशद्दुद करके उन बकन ते मजबूर कर दे टोनी नू हमेशा ले। फिनिश कर दे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं शराबी हूँ। छोड़ो मुझे, माफ करो, मैं नशे में हूँ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे, पीने दो ये। छोड़ो, नहीं मैं नहीं जानता। और कौन है तू? आज मैं बीमार हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं नशे में हूँ। ओम 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 ओम। मेरे सामने छोड़ो, बोतल फाड़ के खलौता है, मेरी नियत खराब कर रही हूँ। छोड़ो, मैं पूरे बोतल पियूंगा। नहीं पी देगा पूरी? मैं पियूंगा। और नहीं, मैं भी नहीं पियूंगा। और छोड़ दे तू, और छत पर छूटे तू। छोड़ दे, तू चंगेज खान के सामने पोजीशन ही खलोता है? सपना तो देखो। बाहू की थी मेरा हाल हो चला करना, नाश्ता दो बंदे उठ ससी ये तेरा लुटी आई शेर भंबोलनी। ओ तेरा तू इत की लैन बैठा से खाना खराब दे पुत्र। ओ की मजाक है चौधरी साहब? कादा मजाक? ओ इंस्पेक्टर साहब, मजाक नहीं। इधर वेखो मेरे वाल, मेरी तबाही का मंदिर वेखो। और मैं जी शराबी नू फड़िया सी शराबी समझ के, ओ शराबी नहीं एक कबाबी सी। मैं उहदा रिमांड लेना सी, उहदी शनाखत परेड लैनी सी। शनाखत परेड लैण तों बाद लित्तर मारने सन, लित्तर मार पहले बम मार दिता, पूरी हवालात उड़ा दी थी। तुसी रिपोर्ट लिख के कार्रवाई शुरू करो, लाश नू पोस्टमार्टम लई हॉस्पिटल भिजवा दिओ। यकीन ने भी एक मैन दी चाल है।
जरा नेड़े आ मेरा मूड बने मैं नोट बना मेरा मूड बने कानून अंदर आने की जरूरत किस तरह हुई है? जरूरत बहुत पहले हो जाती है पर प्रिंसिपल साहब का बयान अज ही मिले जिदे बाद तेरे जे तकरीबकार समग्र ते गद्दारा लई फांसी का फंदा है। इंस्पेक्टर तेनू इस वर्दी के इन स्टारा तक पहुंचने लई बड़ा टाइम लगा होना है पर इना दे उतरन लई मेरी अख दा एक इशारा काफी है। वर्दी लुआन दी तमकी तेरे वर्गा हर बेगैरत सरमायादार देंदा पर परवाह नहीं मेरी वर्दी लत्ती गई फिर भी मैं तैनू कफन जरूर पवाने मिस्टर बिग मैन हथकड़ी ला लैनु हथकड़ी लाओ इंस्पेक्टर तेनू ये हथकड़ियां खोलनिया पैन गया हथकड़ियां खुल भी गई मैं तेनू फिर भी माफ नहीं करांगा मैनू एक फोन करन दी इजाजत है हुण तू कुछ भी नहीं कर सकता टिक टिका के मैं तेनू किसी काली पेड़ नू फोन करन दी इजाजत नहीं दवांगा अगे लख तेरा इस्तकबाल करन लई पूरे प्रेस नू मैं थाने च दावत दित्ती है की ब्रेक डांस क्या करने तू बिग मैन है पागल दा पुत्र किसे नाचे दा पुत्र नहीं टिक टिका के शट अप तेरा मकरू चेहरा हुन नहीं लुक सकना बिग मैन तू एक शरीफ नारी नाल ओ सलूक कर रहा है जिदे ते सिर्फ तैनू ही नहीं तेरी मां नू भी पछताना पवेगा चपेट की शिद्दत ने तेन दस दिता होना कि तेरी हैसियत मेरी नजर च की है मैं तेन एक ऐसा बेखैरत बेशरम ते बेकीमत इंसान समझना जिदी मौत लई मैं कानून नाल भी जंग करांगा तेरी चपेट जेड़ा तूफान लेके आने वाली है इंस्पेक्टर उदे बाद मेरी मौत लई जंग लड़ना ते दूर की गल तेनू अपनी जान बचानी मुश्किल हो जानी है बहुत मुश्किल बॉस दी हर मुश्किल आसान करने मेरे को वक्त है शहर के सारे वकील खरीद लो ते कोई यह साबित ना कर सके कि अमजद परवेज ते बिग मैन एक शख्सियत के दो नाम मेरे मते मुकाबल फरिश्ता होवे या शैतान मेरे को जंग नहीं जीत सकता इस मुकदमे की जंग भी मैं नहीं हारांगा बड़ी छेती मेरी जमानत हो जानी चाहिए राबिया तारा लेटे रहिए आप बहुत जख्मी हैं मेरे बच्चे किथे ने मैं उन्होंने देखना चाहूंगा अभी आपकी हालत ठीक नहीं मैं अपनी हालत की कोई परवाह नहीं मैं अपने बच्चे को मिलना चाहूंगा मैं अपने बच्चे को मिलना Yeah.
मैं तेरा नाना अबू हूँ बेटा, नाना अबू। आपने जिद की प्रिंसिपल साहब, हम आपको ले, वरना इसकी हालत ऐसी है कि रोशनी देखते ही चीखने लगती है, किसी को देख ले तो इसकी हालत खराब हो जाती है। दरिंदा सिर्फ इंसानों की ज्यादती की वजह से ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। तारा, मेरी बच्ची हो गया बेटे। मैं ना इंसाफी है, बिग मैन की जमानत नहीं सी होनी चाहिए, ए साडे लई बहुत वड्डी शिकस्त। पूछे तेन दिखाई नहीं देंदा, ते सुन, देखण वाली अखां दे शीशे तोड़ के मैं हर पासों नजरा फेर लिया, हुण मेरी अख दे सामने सिर्फ तू है, तेरा काला बिजनेस है, तेरिया ताकत ने ते अपना इंतकाम। प्रिंसिपल, जा जाके बच्चिया नु सबक पढ़ा, साडे नाल टकरान दा अंजाम तू वेख चुकिया है। मैनू मेरा अंजाम बखाण लिया, हुण अपना अंजाम वेख वेख, जिस मुजरम दे सामने कानून बेबस है ओदे कोलो मैं किवें हिसाब लेना है। नवा मुकदमा बनाने का मौका नहीं देना, चलो चलो चलो। प्रिंसिपल साहब, मैं की देख रहा, इंसाफ इंसाफ करना कानून का काम है, कानून का इंसाफ मैं देख लेता इंस्पेक्टर, और कानून मेरा इंसाफ देखेगा। प्रिंसिपल ने सरेआम अदालत लाके अपनी जिंदगी लई बड़ी इबरतनाक मौत चुनी है,
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ ਡੈਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ। ਯੈਸ ਬੌਸ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬੌਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਮੀਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ।
पतला बदामी नारदा। सोनिया मैंने इस तरह मिलना कुछ चंगा नहीं लगता। चंगा तो मैनू भी नहीं लगता। चल चल के मां फैसला कर लेने। नहीं फिर कदी सही नहीं। मां ऐसे वेले मिलना है ते हुणे मिलना। ओके बाबा। इन्हें जिंदगी विच किसी कुड़ी दा ना लिता ओदा ना सोनिया ही सी। मैं इनू कई बार कहा कि ओनू लेके आ पर इनू अपने कमा तो फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं भी कई बार तुहानू मिलण दी जिद कीती लेकिन अज मैं जबरदस्ती आ ही गई हाँ। चंगा कीता है तू बैठ बैठा मैं तेरे लिए चाह लेके आनी हाँ। घर च नौकर कोई नहीं? जनाब मैं इंस्पेक्टर हाँ। इंस्पेक्टर हक हलाल दी तनखा लैना नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो थोड़े दिन दी गल है। मैं इस घर च आ गई तो माँ जी ने उठ के तीला भी नहीं तोड़न देंगी। चलो जाओ जाके माँ जी नू मना करो तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। ओके जाओ। इच्छा ही बह गई है। ऐ सोफे दे पीछे की कर रही है? कुछ नहीं सोफा देख रही सा बड़ा पुराना जिया हो गया। अच्छा कोई गल नहीं तू आवेंगी तो नवा ले आवेंगे। इंस्पेक्टर हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। किस सिलसिले में सर? हमें इतना मिली है कि आपके घर में हेलमेट है और आप इसका धंधा करते हैं। ये गलत है। हो सकता है फिर भी हम तलाशी लेंगे। राइट सर। इस पैकेट के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानता। पता नहीं ये पैकेट जहां किसने। सोनिया हथकड़ी लगा ले इसे। मैनू जानना है? नहीं जानता। सुन मेरी जान बिग मैन मेरे डैडी का ना है ते होर सुन तेनू इस साल तक पहुंचाने वाली सोनी जी सोनिया साड़ी घर का लड़की है। लगता है सुन के इंस्पेक्टर दी नबज बंद हो गई है। ऐसे हुने पता लग जाएगा नबज की थी सुखती है। सुनो जे ओ कटिया लड़की तुहाडी रिश्तेदार है ते तुहाडियां लाशां दी सीढ़ी बना के मैं उदे तक पहुंचांगा। शाबाश काका बली शाबाश। शेर दे पिंजरे च आके भी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। Ah!
सजा मुक जांदी, उदी सजा ते हली शुरू होनी है। सोनिया, तू केड़िया सोचा इच पै गई है किधरे साडे नाल कीती होई वफादारी ते पछेमान ते नहीं? पछेमान नहीं बॉस, पर अपनी इस जिंदगी ते शर्मिंदा जरूर हूं जिन्हें मेरे ते इतबार किया, मैं उदे ते वार किया। ऐ ख्याल मैनू जी नहीं दे रहा बॉस। लगता है तेरा दिल हाली तक पत्थर नहीं बनया। इस दिल नू पत्थर बना सोनिया, नहीं ते बिग बैन दी दुनिया ही तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके बॉस। Thank you.
निकाले। असी तेरे दिल की गल तेरी अखां च पढ़ ली है, तू साडे दिल की गल साडियां अखां च नहीं पढ़ी। मैनू तेरी अदा अच्छी नहीं लगी बंटी। इंस्पेक्टर दे फटर होंदे जिहड़ी अदा तू सानू विखाई है सोनिया, वो सानू भी नहीं चंगी लगी। हुण असीं इह फैसला कीता तैनू रिटायर कर दिता जाए, वफादारी तों वी ते जिंदगी तों वी। बंटी, पर रिटायर होण तों पहले तेरे इस हसीन बदन नाल खेडना जरूर है। प्रिंसिपल साहब, तुसी ते थे तो एक दिन मैनू क्या सी ना शेर के मैनू तेरी लोड़ पवे ते तेनू आवाज जरूर मारा। अज मैनू तेरी लोड़ पै गई है शेरे। हुक्म करो प्रिंसिपल साहब, जान चाहिदी है, पैसा चाहिदा है, की चाहिदा है? असला। असला? तुसी असला की करना है? डाकू बनना है शेरिया, इज्जत ते कातला नू मारन वाला डाकू। होया की है? जिस तरह बदमाश नू बदमाश बनाने लई कहानी होंदी है, उसे तरह मेरे नाल भी कहानी बन गई है शेरिया। उस कहानी नू मुकाने लई मैनू असला चाहिए। असला बहुत है प्रिंसिपल साहब, ताडे दुश्मन मुक जाणगे। असला नहीं मुकेगा। Ah!
बादशाह नु गिरफ्तार कर लो। सॉरी सर, दरअसल जदों नहीं मेरी तरक्की हुई है ना, मैं जरूरत तो ज्यादा ही जहीन हो गया। सर रुक दिया, मेरे ख्याल है इन मजलूमों का कातिल गंडा सा लेकर इधर से फरार हो गया। Follow me. Catch me if you can. Follow. प्रिंसिपल साहब, तुसी? प्रिंसिपल नहीं, डाकू। मेरी तारा किथे? तारा कदरे नॉर्मल है, ते उनु ऐसली इत्थे लांदा है कि अपने कार च जाके जल्दी ठीक हो जाएगी। मिल लो। तारा बेटे, तारा। मैं तेरा नाना अबू हूं। बेटा तू क्या सी ना कि नाना अबू डाकू बन जा। इधर देख बेटा, तेरा नाना अबू डाकू बन गई और ना मैं तेरे दुश्मन इस दुनिया से सिद्धा रहन दियांगा ना इस मुल्क दे। तारा बेटे, अपने नाना अबू नू सिरड़े लग जा। तारा, तेरे बगैर तेरा नाना तड़प रहा। बेटा मेरे दिल ते तरेड़ा पै गया ने बेटा, एक बारी मैनू नाना बू कह के तेरे सीधे न लग जा, तारा नहीं ते तेरा नाना मर जाएगा बेटा। तेरे बीते हो वेले नी, तेरी मेरी सांझ नाले सखियां दे मेले नी, सखियां दे मेले नी। पुलड़े ने नाल तेरे बीते हो वेले नी, तेरी मेरी सांझ नाले सखियां दे मेले नी, सखियां दे मेले नी। मिठियां यादां कीवें दिल चो भुलावां, मिठियां यादां कीवें दिल चो भुलावां। लाडो राणी मैं तैनू डोली चढ़ावां। सखियां दे मेले नी, मिठियां यादां कीवें दिल चो भुलावां, मिठियां यादां कीवें दिल चो भुलावां। लाडो राणी मैं तैनू डोली चढ़ावां। Thank you.
फसन की कोशिश की थी, तेज पिस्तौल की गोली तेरा हदवाना उड़ा देगी टिक टिक आके। अभी करी नहीं आई जिदे हाथ च मेरी मौत होवे, इसलिए कि मैं आप किसी की मौत बनन जा रहा हां। फायर! ओ नस गया दे, फॉलो मी, इनू फॉलो करो। हवालदार साहब, ओ जी वो मुलजम आसिफ कमरे चो नस गया जी। चल बचाई गड्डी रोक, गड्डी इथे रुक गई तो पुलिस को बचना मुश्किल हो जाएगा। मैंने पुलिस को बचाने वाली ए क्यों भूल गई है कि मैंने इस हालत बचाने विच भी तेरा ही हाथ है। ओ मेरी मजबूरी सी। ते ए की है? ए मेरे जज्बात ने, मेरा प्यार है। बकवास बंद कर, तेरे जज्बात तेरा प्यार सब झूठ है, फरेब है, मकर है। नहीं आसिफ, मेरे पे यकीन कर, ओ मेरी मजबूरी सी। जे मैं उस दिन तेनू गिरफ्तार ना करा दी सालमान ने सानू दोनों खत्म कर देना सी। तू बकवास कर रही है, झूठ बोलनी। पहले झूठ सा, आज सिर्फ साचा सच। सुना सिर्फ, मैं एक मजबूर बेसहारा ते लावारिस लड़की हाँ। उन्हें दरिंदिया ने मेरी मजबूरी तो नाजायज फायदा उठाया। मैनू जिंदा रहने लई उन्हें हर नाजायज जायज काम करना पैंदा सी। यकीन कर आसिफ, तेरी सच्चाई ते बहादुरी ने मैनू सिर्फ तेरा बना दिता है। मैं पहले फ्रॉड सा, पर हुण सिर तो लैके पैरा तिकर सिर्फ तेरिया। यकीन नहीं आंदा अखां हाल तक। सोनिया, तेरी अखा ने यकीन दवा देता कि वाकई तू सच है। जा, आज तो तुम मेरी है। ते फिर आ, आज रल क्यों ना सालमाली तबाही बनिए। जिन्हां दे जुल्म दे निशान इस मुल्क दे कोने कोने ते नजर आते ने। सानू पता लगा है कि प्रिंसिपल की पनाह छे। दस प्रिंसिपल किथे वे? ओ शेरिया, इते साढ़े बंदियां दे हत्थां च फड़िया बारूद बोल पवेगा। जे तुसी प्रिंसिपल दे दुश्मन हो तो फिर मैं जरूर दसांगा कि प्रिंसिपल किथे वे।
मैं आ प्रिंसिपल दा दुश्मन, उदी जान दा दुश्मन। फिर सुन बिग मैन, मैं शेरा नहीं पीछता, उदे दुश्मन मेरे दुश्मन ने, उदा इंतकाम मेरा इंतकाम है। ओ किथे नहीं दसांगा, और तुसी दस के मरना हो तोड़िया लाश किथे दफनानिया ने। आखिरी चांस से हुण भी बोल, प्रिंसिपल किथे ने? ए बिल्कुल आखिरी मौके, इस तो बाद असी आप नहीं बंदूक दी गोली गल करेगी तेरे नाल। दस प्रिंसिपल किथे ने? नहीं दसांगा। प्रिंसिपल दी नवासी नू चुक लो। शेरिया, ऐ क्यों है शेरिया? माफ करना प्रिंसिपल साहब, मैं बड़ी कोशिश की थी सी तुहाडे दुश्मनां नूं मुकदियां, पर किस्मत ने साथ नहीं दिता। बिग बैन तुहाडे सीनो चुकड़ गया। शेरिया No!
करो प्रिंसिपल साहब, मैं तुहानू तुहाडी तारा को लै चलना। छेती चल ओए। भी मिले उन्हें मार देना चाहिदा है, पर तू अपने दुश्मन ते मेरे पुत्र दी जान लेण दा बेहतरीन मौका गवा दिता है। पर मैं मौका नहीं गवावांगा प्रिंसिपल, मैं तेरी नवासी नूं चुकिया सिर्फ इसलिए सी कि तेरे वर्गे चूहे लई पनीर दा टोटा बन जाए। और तू करीकी च फस गया प्रिंसिपल। अज मैं तेरी हर करीकी तोड़ के तेरे साथ तोड़ने ने बिग मैन, बिग मैन तू ते तेरे पुत्र ते तेरे साथी इस मौसे दे सीने ते नासुर ने जड़े मैं सारे मिटा देंगा। अज मैं सारे नासुर बिग मैन, तू सिर्फ फक पाई कर सकना है। और मेरी गल सुन प्रिंसिपल, ये अपनी नवासी नु बचाना चाहता है ते मेरे पुत्र नु छड़ना पवेगा। जिवे जिवे मेरे पुत्र दे पैर मेरे वल वधणगे तेरी नवासी तेरे वल वधेगी। आजा बंटी पुत्र।
जरूर दस दो कौन लाएगा जरा बिग मैन के मुजरमान के सामने जिसे